सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। गुल किचन में आज हम बना रहे हैं शाही दम कोरमा। शाही दम कोरमा हमने किन चीज़ों से बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए। चिकन तकरीबन हमने लिया है ये 1 kg चिकन की। अगर आप चिकन को नहीं बनाना चाहते तो आप बीफ या मटन भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश करके और बिल्कुल खुश कर लेना है। ये है बादाम, पिस्ता और खशखाश और नारियल, उसका पेस्ट हमने बनाना है। 10-12 बादाम लेने हैं, 10 पिस्ते लेने हैं, 1 चम्मच खशखाश लेनी है, 1 टेबल स्पून और 2 चम्मच जो है 2 टेबल स्पून हमने ये पिसा हुआ नारियल लेना है। इन सबको हमने ग्राइंड करके अच्छा सा पीस लेना है और ये पेस्ट बना लेना है। ये 1 बड़ा टमाटर लेना है, उसका भी हमने पेस्ट बना लेना है। दही तकरीबन ये 150 ग्राम, 1 बड़ी प्याज फ्राइड, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून, साबुत गरम मसाला 1 टेबल स्पून, इसमें ये बादियानी फूल, 1 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, 2-4 ये टुकड़े दालचीनी के, 10-12 बड़ी गोल लाल काली मिर्च और 4-5 ये लौंग और जीरा, 4 टेबल स्पून हमने क्रीम लेनी है, नमक टेस्ट के मुताबिक। सबसे पहले हमने क्या करना है, 1/2 कप हमने ऑयल जो है वो देगची में गरम कर लेना है। हमने टोटल इसमें 1 कप ऑयल यूज़ करना है कोरमे में। अब हमने ये जो साबुत गरम मसाला है इसको हमने ज़रा सा कड़कड़ा लेना है ऑयल में। अब हमने ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1/2 हमने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, ये हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट और गरम मसाला जो है वो अच्छी तरह से थोड़ा सा 1-2 मिनट बस फ्राई किया। अब हमने इसमें ये चिकन ऐड करना है। बिस्मिल्लाह, हमने फ्राई करना है अच्छा सा। एक 1-2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे गरम मसाले के साथ और जिंजर गार्लिक के साथ। ये देखें चिकन का कलर बहुत चेंज हो गया है, पिंक जो है वो पिंकिश ख़त्म हो गया है इसका और ये वाइट निकल आया है, इस मीन्स के ये फ्राई हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें ये फ्राइड ऑनियन जो है वो भी ऐड कर देनी है। 1/2 दही हमने ऐड करना है। रेड मिर्च पाउडर जो है वो और ये टोमेटो पेस्ट है ये भी ऐड कर देंगे हम इसमें और हम नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून इसमें अभी ऐड कर दिया, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर कम होगा तो वो हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा हो गया तो फिर मुश्किल हो जाता है सालन को संभालना। लेकिन उसका भी एक तरीका है कि फ़र्ज़ करें अगर आपके सालन में नमक ज़्यादा हो जाता है तो आप आटे की छोटी सी एक छोटा सा पेड़ा बनाएं, जैसे छोटी रोटी का पेड़ा होता है बहुत छोटा सा, बस इतना सा पेड़ा बनाएं इतना सा और उसको आप सालन में डाल दें और फिर वो जो है वो सारा नमक जो है वो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से आपका नमक बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से आप अपना नमक जो है वो ज़्यादा हो जाए अगर तो सही कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अच्छा अब इसको ज़रा दरमियानी आँच पर हमने कवर करके रख देना है। इसमें हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, थोड़ा सा पानी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें ही थोड़ा सा चिकन पकेगा।
अच्छा कीमा वो कौरमा हमने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। अब हमने क्या करना है कि एक पैन लेना है, हाफ कप इसमें ऑयल लेना है और बकिया जो ये ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये हमने इसमें ऐड करना है। अच्छा इसको फ्राई कर लेना है। सॉरी आज गला जरा मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है और खांसी मुझे बहुत ज़्यादा है तो डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा क्योंकि ये मौसम के हिसाब से होता रहता है। अच्छा ये हमने इसको फ्राई कर लेना है और ये जो हमने पेस्ट बना के रखा है ये खशखाश और बादाम पिस्ता और नारियल का ये भी हमने इसमें ऐड कर देना है, इसको भी हमने फ्राई करना है इसके साथ। साथ ही हमने ये जो बकाया दही है ये भी इसमें ऐड कर देनी है और इन सब चीज़ों को हमने ऑयल में अच्छा सा फ्राई करना है। पेस्ट और ये दही हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हमने ये कौरमे में ऐड करना है। ये हो गया है बस। अभी देखें कौरमा भी जो है हमारा पक रहा है, चिकन काफ़ी अच्छा सा खूब भून गया है। अब हमने ये जो बनाया है पेस्ट का और दही और जिंजर गार्लिक का इसको भी इसमें ऐड कर देना है। अच्छी तरह से हम इसके साथ मिलाकर खूब अच्छा सा भूनेंगे। थोड़ा सा हम पानी इसमें डालेंगे, ये जो इसमें लगा हुआ है जाहिर है ये हमने पाया थोड़ी ना करना है, इसको हमने इसमें शामिल कर देना है इस तरह से पानी डालकर। अब हमने बस हाफ कप पानी मैंने उसमें डाला था फ्राई पैन में और इसको ऐड किया था और हाफ कप मैं और ऐड कर रही हूँ और इसको हमने दम पर रख देना है बस। चाहिए हमने काफ़ी देर दम पर रख दिया था और ये बहुत अच्छा सा हो गया, ग्रेवी से बहुत सही है, हमें इतनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने इसकी नहीं रखनी, गाढ़ा हो गया ये बस इस तरह। अब हमने लास्ट में इसमें क्या करना है, ये जो क्रीम है ये सारी इसमें हमने ऐड कर ली है। और उसको बस 4-5 मिनट ढककर और रख देना है दम पर और फिर ये रेडी। अच्छा ये क्रीम डालने के बाद हमने 5 मिनट बस इसको और हमने दम पर रखा है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा ये शाही दम कौरमा। अब डिश आउट करते हैं। ये ले जी शाही दम कौरमा हमारा हो गया तैयार, हमने डिश आउट कर दिया है। आप लोग इसको ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ, नान के साथ जिस तरह चाहे सर्व कर सकते हैं, अपनी डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं और मेहमानों के आगे रखें, ये ज़रूर पसंद आएगा। आई होप कि आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।